नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ फोर प्रोसेसेस में से चार प्रोसेसेस गिवन है, उनका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम गिवन है आपको। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसीज एसआरटीएफ एल्गोरिथम की हेल्प से आपको एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस पी टू का वेटिंग टाइम आपको बताना है। ओके, सो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आपसे प्रोसेस पे जैसे वेटिंग टाइम पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का, आपसे रिस्पॉन्स टाइम पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का, आपसे जो है टर्न अराउंड टाइम पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का। ओके, सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, सो यहाँ पे SRTF हम यूज कर रहे हैं। SRTF में हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है, क्राइटेरिया जो रहता है हमारा बर्स्ट टाइम रहता है, जिसका मिनिमम बर्स्ट टाइम होगा उसको हम शेड्यूल करेंगे फर्स्ट। मोड जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रीएम्प्टिव होता है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया लेट्स वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, जीरो हमें आपका गैंट चार्ट जो है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमेशा आपका जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, प्रोसेस सॉरी जब आपका टाइम जीरो था, जीरो पे कोई ऐसी प्रोसेस है क्या, आपको अराइवल टाइम देखना है, अराइवल टाइम में कोई ऐसी प्रोसेस है क्या जो जीरो टाइम पे आई है। यस एक ऐसी प्रोसेस है जो जीरो टाइम पे आई है, दैट इज P1 हमारी जो है जीरो टाइम पे आई है, और कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करेगी वो आपको बर्स्ट टाइम में देखना है। बर्स्ट टाइम में सबसे मिनिमम टाइम देखना है, सबसे मिनिमम टाइम हमारे पास 10 है। इट मीन्स क्या है कि जो P1 है वो आपका कितने यूनिट चलने वाला है, 10 यूनिट चलने वाला है, मीन्स 10 तक जाएगा। जब तक 10 तक गया, इस 10 आपका रिमेनिंग है, क्या 10 पे कोई फिर अगेन आपको अराइवल टाइम पे आना है, पूरा अराइवल टाइम स्कैन करना है, क्या 10 पे कोई और प्रोसेस आई है, क्या कोई और प्रोसेस नहीं आई है। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कितने पे आई है, P2 15 पे आई है, तो आपको 5 यूनिट और चलाना पड़ेगा, P1 को 5 यूनिट और चलाना पड़ेगा, दैट इज स्टिल 15। मैंने इसको 15 तक चलाया तो ये कितना बच गया, 5 बच गया। अब आपको यहाँ पे देखना है इस पोजीशन के लिए कौन कौन फाइट कर रहा है, P1 एंड P2। P1 का जो टाइम है, रिमेनिंग टाइम है वो 5 है, एंड P2 का जो टाइम है वो 25 है। अब दोनों प्रोसेस में किसका बर्स्ट टाइम जो मिनिमम है, वो बर्स्ट टाइम मिनिमम है P1 का, सो अगेन P1 चलेगा क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम जो है क्या है, मिनिमम। सो कहाँ तक चलेगा, 20 तक चलेगा, इसको आप जीरो कर दोगे। अब आपको चेक करना है क्या 20 पे कोई और प्रोसेस आई है, क्या अराइवल टाइम चेक करना है अभी, क्या 20 पे कोई और प्रोसेस आई है, नहीं और कोई प्रोसेस आई नहीं है, तो आप किसको शेड्यूल करोगे, P2 को शेड्यूल कर दोगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी रेडी क्यू में आ चुकी है। और कहाँ तक शेड्यूल करोगे, जब तक शेड्यूल करेंगे जब तक आपकी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कहाँ पे आ रही है, 30 पे आ रही है, सो दैट 30 तक आप इसको रन करोगे, मीन्स 10 यूनिट आप इसको रन करोगे तो कितना बच जाएगा, 15 रिमेनिंग रह जाएगा, तो ये 30 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी कौन कौन सी प्रोसेस है, P2 है क्योंकि P1 आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुका है, P2 है एंड P3 है। अब दोनों में से किसका टाइम शॉर्टेस्ट है, P2 का आपका 15 है एंड P3 का आपका कितना है, 10 है, तो किसका लेस है, P3 का लेस है, इसीलिए मैंने P3 को क्या किया, शेड्यूल्ड कर दिया। और कितने यूनिट तक चलेगा, 10 यूनिट चलेगा, क्योंकि हमारी जो है मिनिमम जो है कंडीशन क्या है, 10 ही है, क्योंकि मिनिमम बस्ट टाइम कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट रन कर जाएगा। P3 भी हमारा रेस से बाहर हो गया क्योंकि वो कंप्लीटली रन कर जाएगा। ओके, सो अब देखना है कि आपकी नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रही है, 45 पे आ रही है, क्या 40 पे कोई प्रोसेस आई है, पूरा स्कैन करोगे आप, नहीं कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो 40 पे आई है, 45 पे आई है। इट मीन्स क्या है, P2 को अगेन 5 यूनिट और रन करोगे तो आपका कितना हो जाएगा,
टेन बच जाएगा, टेन बचेगा तो पी टू को फाइव और रन करोगे तो कितना हो गया आपका 45। 45 पे कौन आ रहा है, पी फोर आ रहा है। अब यहाँ पे कौन है, पी टू है और पी फोर है। पी टू का आपके पास कितना है, 10 है, एंड पी फोर का आपके पास कितना है, 15 है। अब दोनों में से कौन पहले एंटर करेगा, पी फोर, पी टू और पी फोर में ऑब्वियस है पी टू जाएगा, क्योंकि इसका जो बस्ट टाइम है, अभी जो रिमेनिंग बस्ट टाइम है वो 10 है, इसलिए ये कहाँ तक चला जाएगा, 55। एंड पी फोर कहाँ तक जाएगा आपका, 55 + 15 ये 70 तक आपका रन कर जाएगा। ओके, सो अब आपको इसका निकालना है सेम कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम देखना है आपको कि कौन कौन से प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई हैं। अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मोस्टली। ओके, सो आपका कंप्लीशन पी वन कब कंप्लीट हुआ है, पी वन आपका कंप्लीट हो गया है 20 पे, पी टू आपका कब कंप्लीट हुआ है 55 पर, पी थ्री आपका कब कंप्लीट हुआ है 40 पर, और पी फोर आपका कब कंप्लीट हो रहा है 70 पर। ओके, सो टर्न अराउंड टाइम निकालना है। अब इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ पी टू का पूछा है तो आप सिर्फ पी टू का ही कैलकुलेट करेंगे, ये एग्जाम में अननेसेसरी आप पूरा कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। अब पी टू का कितना हो गया, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम कितना आ गया 5 - 5 दैट इज 0, 5 - 1 दैट इज 40। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है पी टू का ही, तो आप कैसे निकालोगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कितना आ गया 5, और इसमें से कितना बच गया 15। सो 15 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 15 आपका जो वेटिंग टाइम है वो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 15 आ गया है। अब आपको इसमें क्या करके देखना है, टर्न अराउंड टाइम भी आपका सभी प्रोसेस को निकाल के देखना है, एवरेज टर्न अराउंड भी निकाल के देखना, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल के देखना, ये एक अनदर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।